तो पहली अपडेट की तरफ चलें तो इंडिया और इंग्लैंड की टीम से कुछ अच्छे खबरें नहीं हैं। तो पहली खबर की तरफ चलें तो इंडिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। वह तीसरे टेस्ट मैच तक फिट हो सकते हैं। इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने इस न्यूज को कन्फर्म किया है और तीसरे टेस्ट में उनके खेलने की बात कही। विराट कोहली ने कहा है कि टीम के सभी मेंबर फिट हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से शार्दुल ठाकुर दूसरे टेस्ट से बाहर रहेंगे। वह तीसरे टेस्ट मैच तक ठीक हो जाएंगे। और अगली इंजरी की तरफ चलें तो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन बुधवार को टीम के प्रैक्टिस सेशन से चूक गए और मैच में उनका खेलना डाउटफुल लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह कदम सिर्फ एहतियात के तौर पर लिया गया है। इंग्लैंड ने साकिब महमूद को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया है। और अगली इंजरी की तरफ चलें तो ESPN की रिपोर्ट के अनुसार स्टुअर्ट ब्रॉड को लॉर्ड्स में प्रैक्टिस के दौरान दाएं पैर की पिटली में मुड़ाव महसूस हुआ और वह शेष स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सके। हालांकि द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉड के दाएं पैर की एड़ी मुड़ गई और वह फिसल गए जब वह जॉगिंग कर रहे थे। अब वह दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। और अगली अपडेट की तरफ चले तो T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हेड कोच रवि शास्त्री T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया से अपनी राहें अलग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। शास्त्री के अलावा गेंदबाजी कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और बैटिंग कोच विक्रम राठौर भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। शास्त्री ने कुछ क्रिकेट बोर्ड मेंबर को बता दिया है कि वह अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद वो नेशनल टीम से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं कुछ और सपोर्टिंग स्टाफ पहले से ही IPL टीमों से बातचीत कर रहे हैं और वो भी अलग हो सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से नए सपोर्टिंग स्टाफ को टीम में चाहता है और अब ये देखना होगा कि नेक्स्ट हेड कोच कौन बनता है। अगली अपडेट की तरफ चले तो इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ ICC ने बड़ी कार्रवाई की है। नॉटिंगम में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में स्लो ओवर रेट के कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से दोनों ही टीमों के दो दो पॉइंट काट लिए गए हैं। इसी वजह से अब दोनों ही टीमों के सिर्फ दो दो पॉइंट रह गए हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच नॉटिंगम टेस्ट बारिश की वजह से ड्रा हो गया था और इसी वजह से दोनों ही टीमों को चार चार पॉइंट मिले थे, लेकिन स्लो ओवर रेट के कारण अब दो दो अंक काट लिए गए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड और भारत के ऊपर मैच फीस का 40% जुर्माना भी लगाया गया है। अगली और लास्ट अपडेट की तरफ चले तो ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का प्लेयर अनाउंस कर दिए हैं। साकिब अल हसन को प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में चुना गया है और वेस्ट इंडीज के स्टेफनी टेलर को वोमेन कैटेगरी में चुना गया है। तो आज की न्यूज वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।